Hello students, welcome back to our English class. In the last class, we have studied the 100 dresses part 1 and today we are going to start our new chapter and the name of the chapter is the 100 dresses part 2. Okay, ye jo hamara chapter hai 100 dresses part 2, ye 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, राइट। और अगर आप लोगों ने अभी तक 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पर पॉज कर दें, ठीक है, और पहले 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि उसी के बाद आपको 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में जो कुछ भी हुआ है ये उसी के आगे का पार्ट है, क्लियर। तो अभी तक 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक पॉलिश गर्ल है जो पोलैंड से बिलोंग करती है, जिसका नाम है वांडा पेट्रियॉन्स्की, ठीक है। अब वांडा पेट्रियॉन्स्की को क्या हुआ, वांडा पेट्रियॉन्स्की को क्लास के अमेरिकन स्कूल के जो सब बच्चे थे वो सब बच्चे चिढ़ाया करते थे, ठीक है। क्यों चिढ़ाते थे, इस वजह से चिढ़ाते थे क्योंकि वांडा का जो नाम था उसका जो सरनेम था वो बहुत फनी था, अनकॉमन था, क्लियर। और इस वजह से वांडा ने मतलब वांडा को वो क्या करते थे, घेर लेते थे और उसका मजाक बनाते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि स्कूल में ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें वांडा ने 100 ड्रेसेस बनाकर स्कूल में सबमिट की थी। आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपनी बुक ओपन करें, चैप्टर ओपन कर लीजिए, द 100 ड्रेसेस 2, और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करें। सो व्हाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन अ नोट। अब जब क्लास लास्ट क्लास में हमने मतलब लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि टीचर ने कहा था कि आप सब लोग क्लास में घूमकर वांडा के जो ड्राइंग्स हैं उन ड्राइंग्स को देख सकते हैं। तो जब क्लास क्या कर रही थी, क्लास के सारे बच्चे वांडा की ड्राइंग्स को देख रहे थे, क्लास में घूम रहे थे, उसी वक्त मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मेसन जो क्लास टीचर थी उनके लिए एक नोट लेकर आया। मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल। मिस मेसन ने ध्यान से उसको देखा, उसको पढ़ा, ठीक है, कई बार उसको पढ़ा, ठीक है, ठीक है। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे क्लैप करके सारे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सारे बच्चों का फोकस अपनी तरफ किया और क्या कहा, अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट। उन्होंने कहा बच्चों ध्यान से सुनो, सब अपनी अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ, ठीक है। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, अब जब बच्चों का movement रुक गया, ठीक है, class बिल्कुल शांत हो गई, ठीक है, सब चुप हो गए, तब Miss Mason ने कहा, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास Wanda के father का एक लेटर आया है जो मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहती हूं, ठीक है। मिस मेसन स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, ठीक है, रूम में टेंशन बढ़ने लगी, सब लोग एकदम क्यूरियस हो गए कि पता नहीं वांडा के फादर ने क्या लिखकर भेजा है लेटर में, वांडा दो तीन दिन से पिछले दो कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या लिखा होगा। सो एवरीबडी ग्रू टेंस, कुछ लोग टेंशन में आ गए, एंड सम वर एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट मींस थिंकिंग दैट समथिंग गुड विल हैपन,
ठीक है, कुछ लोग ये सोचने लगे कि अब शायद कुछ अच्छा होगा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, टीचर ने जानबूझकर धीरे धीरे अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया, राइट। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। और उनके बिहेवियर से, उनके मैनर से ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी होने वाला है या ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ मैटर ऑफ वेरी हाई प्रायोरिटी, ठीक है। सो एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट, सब लोग ध्यान से सुनने लगे जब मिस मेसन ने वो नोट पढ़ना स्टार्ट किया। क्या लिखा था उन्होंने, डियर टीचर माई वॉन्डर विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में लिखा, डियर टीचर मेरी वांडा अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जो उसका भाई है जैक, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं, वी आर मूविंग टू अ बिग सिटी। बिग सिटी मतलब एक ऐसी सिटी वेयर द पीपल आर मोर ओपन माइंडेड, जहां के लोग ओपन माइंडेड हों, ठीक है। नो मोर हॉलर पॉलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, वहां पर अब कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम इतना फनी क्यों है, कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा सरनेम ऐसा अजीब क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में हजारों लोगों के इस तरीके के फनी नेम होते हैं। तो वी आर लीविंग दिस टाउन, वी आर लीविंग दिस सिटी एंड वी आर मूविंग टू अ बिग सिटी, एक ऐसी जगह हम जा रहे हैं जहां के लोग इस तरह की पार्शलिटी ना करते हों, जहां के लोग ओपन माइंडेड हों, दूसरे कल्चर के लोगों को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर सकें। योर्स ट्रूली जैन पेट्रियॉन्स्की, और नीचे उन्होंने लिखा योर्स ट्रूली जैन पेट्रियॉन्स्की, अपना नाम। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, अब जैसे ही मिस मेसन ने ये लेटर पढ़ा, क्लास में एकदम साइलेंस हो गई, सब बच्चे चुप, जैसे एकदम से शॉक लगाओ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब बच्चों को यह पता था कि वो वांडा के साथ कैसा बिहेव करते थे। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मेसन ने अपने ग्लासेस उतारे, ब्लू ऑन देम, उस पर फूंक मारी, एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ, अपने सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ से उसको साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, उसके बाद उन्होंने वो ग्लासेस वापस लगा लिए, ठीक है, और क्लास को देखने लगी। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज बहुत धीरी थी, मतलब बहुत शांति से वो बोल रही थी। आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. क्या कहा मिस मेसन ने? मिस मेसन ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि room 13 का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जानबूझकर किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे सिर्फ इस वजह से कि उसका नाम लॉन्ग है या फिर अनफेमिलियर है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आगे कहा, आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, मैं ये मानती हूं कि ये जो कुछ भी वांडा के फादर ने कहा है ये सब कुछ उन्होंने जल्दबाजी में गलत फहमी की वजह से कहा है, उनको ऐसा अगर लगा तो ये उनकी एक गलत फहमी है, ठीक है, इट इज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मुझे पता है कि आप सब लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। That this is a very unfortunate thing to have happened. आपको भी यही लग रहा होगा
कि ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूं कि आप सब लोग इस बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। अब जो फर्स्ट पीरियड था क्लास का, स्कूल का, वो स्टडी पीरियड था, पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मैडी ने अपने लेसन्स प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन मैडी का ध्यान पढ़ाई पर लग ही नहीं रहा था। बार बार रह रह के उसके दिमाग में क्या आ रहा था, उसके दिमाग में आ रहा था वो सारा इंसिडेंट जो वांडा के साथ हुआ, जिस तरीके से वो वांडा को ट्रीट करते थे। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। हम जिसे कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जब आप नर्वस होते हैं तो आपको एकदम पेट में अजीब सा फील होने लगता है। सो शी वॉज फीलिंग वेरी सिक, ठीक है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। शी हैड नॉट ट्रू शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लॉजेट। हाँ, ये बात सच थी कि उसको कभी भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि पैगी वांडा से पूछे कि वांडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं उसके क्लॉजेट में, बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन फिर भी वांडा ने कभी इस चीज को प्रोटेस्ट नहीं किया, इस चीज के अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाई। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो हमेशा चुपचाप ये सब कुछ सुनती रही, एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। और ये उतना ही बुरा था जितना जो पैगी ने किया था वो बुरा था, ठीक है, वर्स। इनफैक्ट जो पैगी ने किया उससे भी ज्यादा बुरा था। शी वॉज अ कावर्ड, ये एक उसने कायर की तरह बिहेव किया। एटलीस्ट पैगी हैडन कंसिडर्ड देवर बींग मीन, ठीक है। अब पैगी ने जो किया वो इतना बुरा क्यों नहीं था, क्योंकि पैगी को तो पता ही नहीं था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो पैगी ने जो किया वो अनइंटेंशनली किया, उसका उसको नहीं पता था कि उसके इस तरह के क्वेश्चन पूछने से वांडा को तकलीफ हो सकती है, वांडा की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। बट मैडी की अगर हम बात करें तो सिंस मैडी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल, वो भी एक पुअर गर्ल थी, शी कैन फील द पेन द कंडीशन ऑफ वांडा। वो वांडा की कंडीशन को फील कर सकती थी, वो ये देख सकती थी कि वांडा को कैसा लगता होगा, लेकिन उसके बावजूद वो क्या रही, चुप रही। दैट इज वाई शी इज मोर गिल्टी देन पैगी। सो पैगी हैड एंड कंसिडर्ड दैट दे वर बींग मीन, बट शी मैडी had thought they were doing wrong, she could put herself in Wanda's shoes. वो अपने आप को वांडा की जगह पर रखकर देख सकती थी। Goodness, wasn't there anything she could do? तो अब उसने सोचा कि क्या मैं अब कुछ और नहीं कर सकती, अब जो गलती हो गई है वो तो हो गई है, बट क्या मैं इस गलती को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. काश वो वांडा को बता पाती कि उसका इंटेंशन वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी। वो मुड़ी, उसने पैगी को देखा, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था जैसे पैगी बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रही है। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वेल whether Peggy felt bad or not, she, that is Maddie, had to do something. अब वो सोचती है कि भले ही Peggy को कैसा भी लग रहा हो, मुझे तो बुरा लग रहा है और मुझे कुछ करना ही होगा, ठीक है। She had to find Wanda Petrowski. उसे Wanda को ढूंढना होगा। Maybe she had not yet moved away. हो सकता है वो अभी तक यहां से गए ना हो, ठीक है। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, शायद पैगी भी उसके साथ बॉगिंस हाइट तक जाए, एंड दे वुड टेल वांडा
she had won the contest. और वो दोनों मिलकर वांडा को बताएंगे कि वांडा ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट जीत गई है. दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट. वो उसे बताएंगे कि उन्हें लगता है कि वांडा बहुत स्मार्ट है एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल. और उसे बताएंगे कि उसकी 100 ड्रेसेस बहुत ब्यूटिफुल है. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, अब जब दोपहर में स्कूल डिसमिस हुआ तब पैगी ने कहा, with pretended casualness, ऐसे मतलब जैसे जानबूझकर दिखा रही हूँ कि हाँ सब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, that is pretended casualness, कि हाँ सब ठीक है, ठीक है, she was pretending कि सब ठीक है. Hey, let's go and see if that kid has left town or not. उसने कहा कि चलो चल के देखते हैं वो Wanda अभी तक गई है या नहीं, है ना, चल को एक बार पता तो करें. So, Peggy had the same idea. मैडी क्लू, मैडी खुश हो गई कि चलो पैगी के दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है. समवेयर और द अदर पैगी इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी, ठीक है, पैगी को भी बुरा लग रहा है, ठीक है, इसीलिए ये मेरे साथ बॉगिन साइड चलने के लिए कह रही है, ठीक है, मुझे बॉगिन साइड ले जाने के लिए कह रही है, बिकॉज शी इज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी, ठीक है. Although वो मानेगी नहीं कि उसने जो किया है वो गलत है, but still she wants to make amends. Peg was really all right. Peg बिल्कुल ठीक थी, मतलब Peg, Peggy. The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggins Hide, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकली, ठीक है, बॉगिन्स हाइट की तरफ जो सड़क जाती थी उस सड़क पर चलना शुरू किया. ये शहर का वो हिस्सा था विच वोर अ फॉरबिडिंग एयर, ठीक है, फॉरबिडिंग एयर मतलब लुकिंग unfriendly or frightening, ठीक है. तो ये Boggins Hide वाला जो एरिया था ये ऐसा एरिया था जहां आपको जाकर अच्छा फील नहीं होता, ठीक है, ऐसे एरियाज होते हैं ना, कहीं आप किसी सुनसान महल वहल में चल जाओ, ठीक है, जहाँ पे कोई नहीं हो, बिल्कुल अंधेरा, मतलब बिल्कुल उजाड़ हो, बंजर हो, तो वहाँ पे एक अनफ्रेंडली सी फीलिंग आती है, ठीक है, थोड़ी सी फ्राइटनिंग फीलिंग आती है. तो Boggins Hide पर भी, ठीक है, ऐसी ही फीलिंग मैडी और पैगी को आती थी, खासकर ये बारिश के समय में, ठीक है, होपलेसनेस, यहाँ पर डैम्प और डिसमिल का मतलब है होपलेसनेस, ठीक है, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ठीक है, कि भाई इतने बुरे समय में बारिश हो रही है, ठीक है, मौसम ऐसा है, ऑलरेडी कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, बिल्कुल सुनसान है, ठीक है, बहुत कचरा है हर तरफ, बहुत मतलब अंडर डेवलप्ड सा एरिया है, तो वहाँ पे आपको नेचुरली कैसा फील होता है, अनफ्रेंडली और फ्राइटनिंग फील होता है, डरावना महसूस होता है. वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली. अब फाइनली पैगी ने कहा, खैर, अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ग्रफली, ठीक है, ग्रफली का मतलब क्या होता है, ग्रफली का मतलब होता है वेट एंड सॉरी ग्रफली का मतलब क्या होता है, रफ एंड लो इन पिच, ठीक है. तो पैगी जो है, सॉरी, हाँ, पैगी जो है वो लो पिच वॉइस में बहुत रफली वो बोलती है. खैर, I never did call her a foreigner or make fun of her name. खैर, एक बात अच्छी थी
क्या कहती है वो, अपने आप को तसल्ली दे रही है, ठीक है, जस्टिफिकेशन दे रही है मैडी को, ठीक है, क्या कह रही है कि मैंने कभी भी वांडा को फॉरेनर नहीं बोला, मैंने कभी भी वांडा के नाम का मजाक नहीं बनाया, ठीक है, सो आई एम नॉट गिल्टी. शी वॉज कन्विंसिंग मैडी दैट शी हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन और ऑफ हर एनी वे. आगे पैगी कहती है कि मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसमें इतनी समझ होगी कि वो ये समझ सके कि हम उसका मजाक बना रहे हैं. आई थॉट शी वॉज टू डम. मुझे तो ये लगता था कि वो बिल्कुल बेवकूफ है. एंड जी और छी, देखो लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और उसकी ड्रॉइंग देखो, ठीक है, हम सबको लगता था कि वो बेवकूफ सी लड़की है, लेकिन उसकी ड्रॉइंग देखो कितनी ब्रिलियंट उसकी ड्रॉइंग्स हैं. अब इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग्स एक बार नोट कर लीजिए अपनी बुक में. ओके, आगे देखें. मैडी कुड से नथिंग. अब इस बात का मैडी के पास कोई जवाब नहीं था. ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा. उसे सिर्फ बस उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि काश उन्हें वांडा मिल जाए, ठीक है. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर. वो उसे ये बताना चाहती थी कि उसे बुरा लग रहा है. किस बात का बुरा लग रहा है? वो इस बात के लिए सॉरी फील करते हैं कि उन्होंने उसको क्या किया, उसको अनकाइंडली मैनर में, उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया, ठीक है. पिक्ड ऑन हर मतलब, ठीक है, पिकिंग ऑन समवन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, ठीक है. किसी के साथ अनकाइंड मैनर में बिहेव करना या किसी को अनफेयरली क्रिटिसाइज करना, दैट इज पिकिंग ऑन समवन. तो वांडा जो है वो ये मैडी जो है वो ये चाहती थी कि काश उन्हें वांडा मिल जाए और वो वांडा को ये कह सके दैट वी हम माफी मांगते हैं, वी आर सॉरी कि हमने तुम्हें अनफेयरली क्रिटिसाइज किया, तुम्हें बुरे तरीके से ट्रीट किया, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, ठीक है. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. और वो वांडा को बताना चाहती थी कि पूरे स्कूल को लगता है कि वांडा कितनी वंडरफुल है. एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. और वो उसे कहना चाहती थी कि प्लीज ये स्कूल छोड़कर मत जाओ और हम सब तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस. वो उसे ये कहना चाहती थी कि मैं और पैगी जो भी तुमसे बुरा बिहेव करेगा, हम दोनों मिलकर उसके साथ लड़ेंगे. वी विल फाइट विद यू, ठीक है, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. कोई भी अगर तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा तो वी विल फाइट विद देम, हम उनसे लड़ लेंगे, बट तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे. द टू गर्ल्स हरेड ऑन. तो वो दोनों तेजी से बॉगिंस हाइट की तरफ बढ़ती हैं. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. वो चाह रहे थे कि अंधेरा होने से पहले पहले वो टॉप पर, हिल के टॉप पर पहुंच जाएं. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रियंस की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस. मैडी ने एक छोटे से व्हाइट घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है पेट्रियंस की वहीं रहते थे. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens.
ठीक है, अब क्या था यहां पे, क्या वर्ड यूज हुआ है? विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास। अब ये विस्प्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रास दैट आर टुगेदर। ठीक है, घास के छोटे छोटे गुच्छे, जैसे सपोज ये अगर पाथवे है, ठीक है, तो इस पाथवे में क्या हो रहा था, हर थोड़ी थोड़ी जगह पर इस तरीके से घास के छोटे छोटे गुच्छे उगे हुए थे पाथवे पे, ठीक है। तो वो कैसे नजर आ रहे थे? देवर लुकिंग लाइक थिन किटन्स, छोटी छोटी किटन्स के जैसे नजर आ रहे थे, बिल्लियों के जैसे नजर आ रहे थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। अब वो जो घर था, छोटा सा घर, और उसका जो छोटा सा यार्ड था, वो कैसा नजर आ रहा था? इट वॉज शैबी बट क्लीन। शैबी का मतलब क्या है? शैबी मीन्स इन बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ ओवर यूज। ठीक है, किसी चीज को ओवर यूज करने की वजह से जब वो बैड हो जाए, खराब हालत में आ जाए, तो उसे कहते हैं शैबी। तो जो घर था वो कैसा नजर आ रहा था? इट वॉज लुकिंग शैबी, ठीक है, बैड कंडीशन में था, बट इट वॉज क्लीन। ठीक है, इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस। और उस यार्ड को देखकर, उस घर को देखकर मैडी को किसकी याद आ गई? वांडा की उस एक ड्रेस की याद आ गई, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी वो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस की याद आ गई, जो भी कैसी थी, शैबी थी लेकिन क्लीन थी, राइट? तो ये था हमारा 100 ड्रेसेस सेकेंड का आज का पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन।